इस वक्त 11वीं के हर एक बच्चे के मन में सिर्फ एक ही डर चल रहा है कि भैया इतने कम टाइम में इतना सारा सिलेबस हम लोग कैसे कवर करें। एग्जाम भैया बहुत ही पास आ चुके हैं और इतने कम टाइम में इतने सारे सिलेबस के साथ साथ हमने जो एक लक्ष्य रखा था, हमने जो अपना एक टारगेट रखा था कि भाई 11वीं के स्टार्टिंग में इस साल तो कम से कम 80% मार्क्स फोड़ दें, इस साल कम से कम 85-90 मार्क्स तो टच कर लेंगे, भैया वो तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास होने के लाने पड़ रहे हैं। हम पास हो जाएं भैया वही बहुत बड़ी बात है, रिवीजन नहीं हो पा रहा भैया, सिलेबस बहुत सारा है, मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, डीमोटिवेशन बहुत ज्यादा है और कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। टेंशन मत लो यार, तुम्हारा भैया वापस आ चुका है। राहुल भैया इज बैक विद अनदर बैंगर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मटेरियल्स रेडी हो चुके हैं। पिछले दो हफ्ते से जो मैं गायब था, ऐसे गायब नहीं था यार, एक तो बुखार था मेरे को, ठीक है, और ऊपर से आपके लिए काम चला था बैक एंड पे, आपके लिए इतने बेहतरीन मटेरियल्स रेडी हो चुके हैं कि अगर आप इन मटेरियल्स को जो बहुत ही प्यार से बनाए हैं, अगर आप इनको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, इसका फर्क नहीं पड़ता आपका एग्जाम में 10 दिन बाकी है, 15 दिन बाकी है, 20 दिन बाकी है या फिर 25 दिन बाकी है या फिर आपका एग्जाम अगले हफ्ते है, अगर आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इनको शिद्दत से फॉलो करते हो ना, तो मेरी गारंटी है कि आपके एग्जाम में मिनिमम 90% तो आपके कहीं नहीं गए, 90% आप बहुत ही आराम से फोड़ रहोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। पिछले 3 सालों के मुझे यूट्यूब पर पढ़ाते हुए आज तक कभी भी एक फेक क्लेम नहीं करा, बच्चों को जो भरोसा है, बच्चे मुझे प्यार से राहुल भैया बुलाते हैं, ये इस ट्रस्ट की वजह से बनाया कि ट्रस्ट कमाया मैंने, ठीक है। जरा आपको मैं टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, सिर्फ मेन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कोर्स स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने इसको समझ लिया ना, तो आपका 50% जो काम है वो आसान हो गया, ठीक है। बहुत छोटी वीडियो होगी, 10 मिनट की वीडियो होगी, अपने लाइफ के 10 मिनट अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर देती हो ना, तो मेरी गारंटी है कि रिजल्ट वाले दिन आपको रिग्रेट नहीं होगा, रिजल्ट वाले दिन आप खुश होंगे कि यार अच्छा हुआ मैंने वो वीडियो देख ली, उससे मेरी आज लाइफ कुछ इंप्रूवमेंट आया, कुछ लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। देखो आपके जो सिलेबस है ना, हर साल सीबीएसई सिलेबस निकालती है, उसमें कुछ चैप्टर आपके डिलीट होते हैं, कुछ चैप्टर आपके ऐड होते हैं, ठीक है। इस साल आपके 2 चैप्टर जो है वो डिलीट हो चुके हैं। फर्स्ट आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दूसरा आपका है मैथमेटिकल रीजनिंग। ये 2 चैप्टर आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें कि मार्क्स कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, तो आपकी जो फर्स्ट यूनिट है सेट्स एंड फंक्शन, इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से? इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं भाई? अरे भाई ये भाई येलो मार्कर करना। हाँ, इसमें आपके 3 चैप्टर आ रहे हैं, आपका सेट्स, ठीक है, आपका रिलेशन एंड फंक्शन और आपका ट्रिगोनोमेट्री। ये 3 चैप्टर आपके इस यूनिट में आ रहे हैं और ये 3 चैप्टर मिलके आपके 23 मार्क्स बना रहे हैं। 80 में से 23 मार्क्स मात्र यहाँ से आ रहे हैं। दूसरी यूनिट आपकी जो है वो है एलजेब्रा। इसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं? इसमें आपके कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस एंड सीरीज, मतलब जो आप बाकी के चैप्टर है आपके, ये आपके 25 मार्क्स आ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करो तो 80 मार्क्स में से लगभग 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 आपके 50 मार्क्स यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। इसको 25 मान लो, तो 80 में से 50 मार्क्स आपकी इन 2 यूनिट से आ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि भैया मेरे से ना लिमिट से क्वेश्चन नहीं हो रहे, भैया मेरे से ना प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नहीं हो रहे, भैया मेरे से ना स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं हो रहे। अरे भाई मूर्खो, 8 मार्क्स की आ रही है वो, 12 मार्क्स आ रहे हो, ये दोनों मिलकर आपके 50 मार्क्स के आएंगे और इन पर आप फोकस नहीं करते हो, ठीक है। तो मेरा मेन पॉइंट इसको बताने का यही था, इसको लिखने का मेन पॉइंट यही है कि भाई अगर आपका सिलेबस बिल्कुल जीरो है, आपका सिलेबस 50% है, या फिर आपने सिलेबस पूरा कर रखा है, आप रिवीजन मोड में हो, आप यहां से स्टार्ट करो, सेट्स उठाओ, पूरा कंप्लीट करो। कैसे करना है अभी आगे स्ट्रेटजी बताऊंगा, कौन से मटेरियल यूज करना है वो बताऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको देने वाला हूं। सेट्स उठाओ, रिलेशनल फंक्शन उठाओ, ट्रिग्नोमेट्री उठाओ, उसके बाद एलजेब्रा आपने, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस, सीरीज, इस ऑर्डर में। पहले अपने यार जो बड़े वेटेज है ना, पहले बड़े मार्क्स अपने कब्जे में कर लो, 50 मार्क्स अपने कब्जे में कर लो। और आपको मैं एक और फैक्ट की बात बताऊं, कमाल की बात, जब मैं रिसर्च कर रहा था, जब मैं खुद से एनालिसिस कर रहा था पेपर्स का, तो जो 50 मार्क्स है, 50 में से कम आपके 25 से 30 मार्क्स आपके डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से उठ के आए हैं, बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज 100% ट्रू। जब मैं रिसर्च कर रहा था तो 50 मार्क्स का जो ये दोनों यूनिट है, इसमें से 25 से 30 मार्क्स आपके डायरेक्ट एज इट इज सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी के उठ के आए, या तो एग्जांपल है, या तो इनटेक्स्ट है, या फिर आपके मिसलेनियस है, ठीक है। अब फटाफट हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटजी के, भैया बहुत ज्यादा हो गया, आपको स्टार्ट यहां से करना है, मेरा समझाने का पॉइंट ये था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा यार मेरी आवाज आज थोड़ी सी अजीब ही होगी क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, अभी मैं पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूं, तो सिर्फ थोड़ा सा माफ कर, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज, ठीक है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देखो बात करें स्ट्रेटजी की, भाई कैसे हमें सिलेबस को कवर करना है, तो जो पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो, तो मेरी गारंटी है कि मिनिमम 85 तो कहीं नहीं गए और 90 भी आराम से टच कर सकते हो, अगर आप थोड़ी अपना भी एफर्ट मार दो तो, ठीक है। और जो बच्चों को लगा था ना कि भैया फेल हो जाएंगे, फेल तो कोई भी नहीं होगा, ठीक है, हम ना यहाँ पे 90 की सोच रहे हैं, तुम यहाँ फेल होने की सोच रहे हो, ठीक है। देखो सबसे स्टेप नंबर 1, अगर आपको चैप्टर आता है, आपने पढ़ रखा है,
तो ये वाला स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई चैप्टर नहीं आता है, लेट्स से कि भाई मेरे को भैया मेरे को लिमिट्स बिल्कुल नहीं आती है, मुझे उसका कॉन्सेप्ट जानना है, तो अगर आपको कोई चैप्टर बिल्कुल नहीं आता है देन ओनली यू कैन वॉच वन शॉट वीडियो, ठीक है, तब आप उसकी वन शॉट वीडियो देखो, ठीक है। और इसका जो लिंक है ना, मैं नीचे इसका जो लिंक है, ठीक है, कौन सी, काफी बच्चे ना भैया पूछते हैं कि भैया आप बोलते रहते हो वन शॉट वीडियो देखो, बट इतनी सारी वीडियो है, हजारों वीडियो, कौन सी देखें? तो जो वीडियो एक से डेढ़ घंटे की हो या फिर मैक्स टू मैक्स दो घंटे की हो आपको वो देखनी, उससे ऊपर अगर आप देख रहे हो तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही पास है, ठीक है। तो एक से डेढ़ घंटे के मैक्सिमम अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझा दे, क्योंकि मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, 3 साल हो गए मुझे बोलते बोलते, मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे वही आपके एग्जाम देके में काम आएगा, ठीक है। कोई यूट्यूब पे कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उससे आपका कोई हेल्प नहीं होगा, ये सत्य है बहुत बड़ी, ठीक है। तो जो लिंक है, मैं जो मेरे को पसंद आएगी वन शॉट वीडियो, उसका जो लिंक है मैं नीचे दे दूंगा, वहां से उसको देख लेना, ठीक है, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड स्टेप जो कि है सॉल्व एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन। अब आपको जो ब्रह्मास्त्र ना, जिसका आप वेट कर रहे थे कि भैया बड़े दिन से कि भैया एनएसक्यू प्रोवाइड कर दो, भैया एनएसक्यू, मतलब इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आई मुझे एनएसक्यू की, तो भाई काफी टाइम लगता है बनाने में, काफी रिसर्च लगती है, ऐसे नहीं कुछ भी डाल दो, पिछले 10 साल के पेपर मैं खुद बैठ के करता हूँ, कोई और नहीं करता, मैं खुद बैठता हूँ 10 साल के पेपर को एनालाइज करता हूँ, एनसीईआरटी को साथ में रखता हूँ, उस पर टिक मारता हूँ, फिर आपकी पीडीएफ बनती है। बट खैर कोई नहीं, आपकी जो पीडीएफ रेडी हो चुकी है, जिनको नहीं पता, तो हर साल हम एनएसक्यू देते हैं, एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन, मतलब कि एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन जिनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस साल में मैंने आपकी जो पीडीएफ है बना दी है, तो ये आपकी पीडीएफ है एनसीईआरटी सिलेक्टेड क्वेश्चन मैथमेटिक्स की, ठीक है। इससे इसका फायदा क्या होता है कि अगर आप इसके थ्रू पढ़ाई करते हो, ये क्वेश्चन करते हो, तो अपने एनसीईआरटी को आप 10x फास्ट रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्लास 11 के मैथमेटिक्स के लिए मैंने बना दिए, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ कैसे होती है, देखो जैसे मान लो आपका चैप्टर नंबर 1 सेट है, तो 1.1 में आपको मात्र 3 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप पहली बार कर रहे हो तब भी आप इससे भी डिपेंड हो सकते हो, एंड अगर आप रिविजन कर रहे हो तो इससे बेहतरीन रिविजन का रिसोर्स पूरे मार्केट में कोई नहीं है, पूरे मार्केट में कोई नहीं है, डंकी की चोट पे बोल सकता हूं मैं। अगर आप रिवीजन कर रहे हो, जस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड यू विल इजीली स्कोर अ वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जाम, ठीक है। 1.4 में 6 क्वेश्चन नंबर 6, 10, ठीक है। ऐसी हर क्वेश्चन दे रखा है एक्सरसाइज में जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है, हर एग्जाम्पल जो आपके एग्जाम में आ सकता है या फिर जो आ रखा है वो भी मैंने काउंट कर रखा है। इसके अलावा इतना ही नहीं, आपकी जो मिसलेनियस की एक्सरसाइज है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन उठ के आते हैं, मैंने वो भी दे रखी है कि भाई मिसलेनियस में से कौन से क्वेश्चन आपको करना है, कौन से नहीं करने, ठीक है। ऐसे मैंने चैप्टर वाइज बना रखा है, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा सिलेबस का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, नीचे पूरा प्रोबेबिलिटी तक आपका पूरा बना रखा है मैंने, ठीक है। जस्ट डू दिस क्वेश्चन, ये आपकी जो ब्रह्मास्त्र जिसकी आपको बहुत ज्यादा डिमांड थी फाइनली आ चुकी है। कहाँ मिलेगा इसकी जो पीडीएफ है, मैं टेलीग्राम पे भी कर दूंगा, अगर टेलीग्राम पे है वो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो डायरेक्ट जो पीडीएफ है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहले पूरी वीडियो देखो, अभी जाओगे जाओगे तो पाप पड़ेगा, ठीक है, जाओगे तो शराब लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो ये तो हो गया आपका सेकंड स्टेप, इसको आपको एटलीस्ट 2 बार करना है। 2 बार क्यों भैया? एक बार से काम नहीं चलेगा, ठीक है, एक बार से काम नहीं चलेगा। आपको मिनिमम एनएसक्यू को, जो एनएसक्यू है, इनको आपको मिनिमम 2 बार करना पड़ेगा। 2 बार करोगे तो आपको वो, आपको मतलब अंदर से याद हो जाएंगे कि भाई इसका आंसर भी ये, हमें इतनी प्रैक्टिस करनी है कि क्वेश्चन देखते ही हमें आंसर पता हो। इस लेवल की अगर प्रैक्टिस है तो तू अपने एग्जाम में फोड़ के आएगा, ठीक है, इस लेवल की प्रैक्टिस हमारी होनी चाहिए। तीसरा स्टेप क्या है कि भाई पहले वीडियो देखी, एनएसक्यू करा, एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे। तीसरा स्टेप क्या है? यूज सपोर्ट मटेरियल फॉर प्रैक्टिस। सपोर्ट मटेरियल क्या होती है बेसिकली कि देखो एनसीईआरटी तो कर लिया, बट कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी तो करने हैं प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ एनसीईआरटी से काम चलेगा नहीं, एनसीईआरटी से आपके 70-80% आ सकते हैं, है ना, एनसीईआरटी से आप 70-80% फोड़ सकते हो, बट बाकी के जो 20% है वो कहाँ से फोड़ेंगे, तो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो उसके लिए सपोर्ट मटेरियल काफी अच्छी, मेरे को पर्सनली बेस्ट लगता है मैथमेटिक्स के लिए, इससे बेस्ट रिसोर्स कोई नहीं है, ठीक है। बाकी के लिए मैं आपको पीवाईक्यूज देता हूँ, फिर इसके लिए मैंने आपको पीवाईक्यूज दे रखे हैं, केमिस्ट्री के लिए मैंने आपको दे रखे हैं पीवाईक्यूज, बाकी फुल सिलेबस के भी अभी आ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स के लिए सपोर्ट मटेरियल इज दी बेस्ट, ठीक है। अभी क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहली बात तो ये हमारा नहीं है, ठीक है, मैं पहले जानता हूँ ये दिल्ली गवर्नमेंट का ही है, ठीक है। तो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ सपोर्ट मटेरियल कहाँ गया, वेट ये रहा, ठीक है। तो ऐसे कुछ आपका पूरी एक बुकलेट होती है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट में जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है। तो इसमें जो क्वेश्चंस का जो लेवल होता है ना वो आपके एग्जाम वाले होते हैं, मतलब डायरेक्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ना वही क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिख रखे होते हैं। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ हर साल, जैसे कि देखो ये जैसे आपका ये है सेट, ठीक है, चैप्टर नंबर 1। तो स्टार्टिंग में आपके की पॉइंट्स होते हैं, मतलब कि आपकी बेसिकली शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको शॉर्ट नोट्स दे रखें ताकि आप फटाफट रिवाइज कर लो, ठीक है, फटाफट सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, मतलब फॉर्मूला शीट, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है, ठीक है। देखो सारे फॉर्मूला आपके दे रखे हैं। इसके अलावा
इसके अलावा आपके जो माइंड मैप है, जो बड़े बड़े क्वेश्चन बैंक में आपको मिलता है ना, वो बड़े बड़े माइंड मैप जो क्वेश्चन बैंक मिलता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे आपको दे रखा है, माइंड मैप सारे दे रखे हैं, इसलिए मुझे बेस्ट लगता है। अब यहाँ पे जो उसका इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है वो शुरू हो जाते हैं। तो जो मेरी अगर आप मेरी बात मानोगे तो आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने इसके, ठीक है, इसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करना है। सुन लो मेरी बात, मतलब बाद में फिर कंफ्यूज रहोगे। सपोर्ट मटेरियल के सारे क्वेश्चन नहीं करने, ओनली डू वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है, वेरी शॉर्ट वाले करने हैं, इसके अलावा शॉर्ट वाले नहीं करने। अगर आपका मन करे तो कर सकते हो, बट अगर मेरी बात मानोगे तो वेरी शॉर्ट करो, ठीक है। उसके बाद जो आपके ये है ना केस बेस वाले, ये केस बेस यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा सेम क्वेश्चन उठ के आपके आ सकते हैं। वेरी शॉर्ट करो, केस स्टडी वाले करो, केस स्टडी वाले इसमें तीन चार दे रखे हैं क्वेश्चन। और इसके अलावा आपके जो ये है ना एमसीक्यू, ये एमसीक्यू सारे करो, ठीक है। तो सपोर्ट मटेरियल में से आपको नोट्स पढ़ना है, रिवाइज करना है, वेरी शॉर्ट वाले करना है, केस बेस करने हैं और आपके एमसीक्यू बेस करने हैं, ठीक है। बाकी इसके अलावा अगर आपका मन कर रहा है तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है, बट मेरा जो बोला है मैं आपको बता दिया, ठीक है। कोल्ड बहुत ज्यादा हो गया भाई मेरे को। फोर्थ नंबर पे क्या आपका वो है, प्रैक्टिस एनी सैम्पल पेपर। हाँ तो यार अगर इतना अगर आप कर लेते हो ना तो वैसे तो सफिशियंट रहेगा, बट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए आपको एक कॉन्फिडेंस चाहिए ना कि भैया कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, हमने क्वेश्चन तो कर लिए, हमने एनएसक्यू भी कर लिया, वैसे तो आपका एनएसक्यू से भी काम चल जाएगा। जो बच्चों को लग रहा है कि भैया वो फेल हो जाएंगे, जिनको सिर्फ पास होना है एनएसक्यू कर लो, बहुत ही बेहतर, अच्छे नंबर से पास होगी। जिनको थोड़ा सा और अच्छे मतलब कि 90% चाहिए तो एनएसक्यू के साथ सपोर्ट मटेरियल कर लो, 90% पक्के आपके, ठीक है। जिनको चाहिए भाई कि हमें तो 95 से ऊपर चाहिए या फिर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए, तो कोई भी सैंपल पेपर किसी भी पब्लिकेशन का आप सैंपल पेपर है वो खरीद सकते हो, ठीक है, ओस्टवाल, एडुकार्ट, किसी का भी ले सकते हो। मेरे को पर्सनली यार एडुकार्ट का काफी बढ़िया लगता है क्योंकि काफी कम प्राइस में आपको मिल रहा है। अभी इसकी जो प्राइस है, करंट प्राइस जो है अमेजोन पे, आई थिंक वो कुछ 150 रुपीज की मिल रही है, मतलब बहुत ही कम प्राइस है, 150 रुपीज कुछ भी नहीं होता है। सो आई थिंक अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो यू शुड इन्वेस्ट, ठीक है, आपकी इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है। इसको मतलब ऐसे मत देखो कि भैया ये तो मतलब चले जाएगा, इसको ऐसा देखो कि आपको यहाँ से रिटर्न क्या मिलेगा, ठीक है। तो आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन सैम्पल पेपर अगर आप कर सकती हो तो इसके जो लिंक है, जो सबसे कम प्राइस वाला जो लिंक है ना, सबसे चीपेस्ट जो लिंक होगा, वो लिंक मैं नीचे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इसको फटाफट ले सकते हो। सेल चल रही है, अदरवाइज बाद में शायद आपकी मिलना बंद हो जाएगी, आई थिंक बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे के पास सैंपल पेपर नहीं है, मान लो, ठीक है, मान लो जो नहीं ले सकते या फिर जिनके पास नहीं है अभी, वो भी क्या करें, तो भाई इसके अलावा अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, टाइमर लगा के भाई, है ना, कि 3 घंटे लगा दिया और पूरा पेपर सॉल्व करना है, तो मैंने आपको पास जो पेपर है ना, जो पिछले साल के जो पेपर आ रखे हैं 2010, 2011, 2020, 2019 के, वो पेपर्स की जो पीडीएफ है वो मैं आपको दे रखी है। कहाँ मिलेगी भैया, देखो ये रहा, क्लास 11th प्रैक्टिस पेपर। तो मैंने ये चार पीडीएफ है, चार पेपर की मैंने पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो जो पीडीएफ है ना, जैसे देखो 2019-20 का पेपर है फाइनल एग्जाम का, तो ये आपका खुल के आ चुका है, तो इसके भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अपना घड़ी में टाइम लगाओ 3 घंटे का और इसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये कब करना है, जब आपके एनएसक्यू हो जाए, जब आपका वो क्वेश्चन हो जाए सपोर्ट मटेरियल वाले, तब आपको ये करना है, ठीक है। तो ये आपकी पूरी जो है पूरा आपकी स्ट्रेटजी थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना यार, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वीडियो आपको किसके ऊपर चाहिए वो नीचे आप कमेंट कर देना, जिस पर सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके ऊपर मैं आपकी अगली वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा प्रे करो भाई कि थोड़ी रिकवरी जल्दी हो जाए, ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, इस वीडियो में थोड़ा मैं नीचे लोगों की बात कर रहा हूँ। तो यस, प्रे फॉर माई रिकवरी ऑल्सो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। अगली वीडियो किस पे चाहिए कॉमेंट करके चले जाना, प्लीज कमेंट करोगे तभी मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, ताकि मुझे पता चले कि किस पे चाहिए वीडियो, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय।